मम्मी। हम्म। मेरी कल की छुट्टी है। क्यों, कल क्या है? अरे भगवान, कैसे कैसे लोग देश में बताओ। अरे सीधा सीधा बोल दे, तो नेता की तरह बात क्यों घुमा रहा है? अरे वो कल चुनाव नहीं है मम्मी। अरे वो तो मेरे ध्यान से ही निकल गया। हाँ याद आ गई, कल चुनाव है। अरे मम्मी ध्यान रखना, वरना एक गलती की वजह से देश गलत हाथों में चला जाएगा। तुझे किसने राजनीति घोट के पिलाए दी आज? अरे वो स्कूल में मास्टर जी ने बोला था कि घर पे सबको बोलना जाके कि सबको वोट देना है। हाँ हाँ देंगे, पक्का देंगे वोट। तो मम्मी मेरे कपड़े प्रेस कर देना, मैं कल पहनूंगा। तू कहाँ जाएगा कल प्रेस वाले कपड़े पहन के? मैं भी तो जाऊंगा वोट डालने। तुझे किसने बोला कि तू वोट दे सकता है? इसमें क्या बोलने की बात है मम्मी, मैं भी देश का नागरिक हूँ और वोट डालने का तो मुझे भी हक है। अर्ध नागरिक, 18 साल से कम उम्र होती है ना वो वोट नहीं दे सकते। 18 साल से ऊपर वाले वोट दिया करें, आई समझ में? पूरा ज्ञान ले लिया करता स्कूल में। मतलब 18 साल से कम उम्र वालों का तो जीना ही बेकार है फिर तो। क्यों? क्योंकि ना तो वोट डाल सकते, ना नोट कमा सकते, ना ब्याह कर सकते, फिर हम करें क्या? गरबाओं का ब्याह भी है, पड़वाओं का फेरा फेरा भी। मजाक कर रहा हूँ मम्मी, मैं तो ऐसे मजाक कर रहा था। और अगर मैंने मजाक किया ना कालू, तो फिर झेल नहीं पाएगा मेरा मजाक, है ना? पर मम्मी 18 साल से कम उम्र वालों को क्यों नहीं देने देते वोट? अच्छा चल ये बता, अगर तू वोट देने लायक होता तो कौन सी पार्टी को देता बता? मैं तो उस पार्टी को दूंगा जो पार्टी स्कूल की छुट्टी सबसे ज्यादा देगी। क्या हुआ मम्मी? ये बता, कांग्रेस सरकार ने ज्यादा विकास किया है देश के लिए कि भाजपा सरकार ने ज्यादा विकास किया? बता। कांग्रेस तो वो है ना पंजा वाली। हम्म। भाजपा कमल के फूल वाली। हाँ बता, दोनों में से कौन सी है जिसने विकास ज्यादा किया देश का? बता। दोनों ही अच्छी नहीं है, मैं तो अपनी खुद की पार्टी बनाऊंगा। कौन सी? मेरी और बुरा की पार्टी, भूकापा पार्टी। भूकापा बुरा कालू पार्टी, मस्त। मम्मी स्कूल में 15 दिन स्कूल जाना है, 15 दिन की स्कूल की छुट्टी। और पता है एग्जाम तो पेपर तो खत्म ही कर देंगे, जो क्लास में पहले आया वो फर्स्ट। बच्चों पे पढ़ाई का प्रेशर ही नहीं रहेगा। और जो घर वाले अगर बच्चों पे पढ़ाई का प्रेशर दे रहे तो उनको मैं और बुरा वो एक नया कानून बनाएंगे कि अगर बच्चों पे उसके घर वाले प्रेशर दे रहे तो उनको 6 महीने की सजा और 50 रुपये जुर्माना। और मम्मी सबसे इम्पोर्टेंट बात, हमारी भूकापा पार्टी का चुनाव चिन्ह बता क्या रहेगा? कांटा। कांटा? हाँ मम्मी, हाथ और फूल के बीच कांटा। ये लगता मेरा चुनाव चिन्ह चांटा। क्यों मेरा मम्मी? मैं जनता हूँ और जनता जब चाहे ना, जब फूल हो या हाथ हो या कांटा हो, जब चाहे जब निकाल के फेंक सकती है, आई समझ में? मंत्री बनेंगे ये। ऐसे एक राजनेता पे हाथ नहीं उठा सकता कोई। राजनेता? कहाँ है राजनेता? मैं भूकापा पार्टी का राजनेता। कालू जिंदगी में एक ही गलती हुई है मेरे से बस। कौन सी मम्मी? तू। मैं तो नहीं करने वाली थी भाई, मुझे पता था ऐसी औलाद पैदा होगी, पर वो तेरी दादी की आग लग रही थी, उसको देखना था पोता पोती का मुंह, वो खुद तो चली गई और मेरी जान को आफत बांध के चली गई। कम से कम तेरा पैदा होने के 2-4 साल तक जिंदा रह जाती तो उसको भी पता चल जाता कि कैसे पोता पोती होए। मम्मी कितना अच्छा होता ना, दादी जिंदा होती तो कितनी खुश होती मुझे देख के कि उसका पोता है। अरे बढ़िया है वो टाइम से चली गई अपने, वरना वो जिंदा होती ना तो बेटा तेरी हरकत देख कर जरूर सदमे से निकल लेती। कभी कभी इंसान से ऐसी गलती हो जाए कि सिर्फ अफसोस ही मनाओ, बस कुछ होना जाना है नहीं वैसे।